हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस सेशन में हम देखेंगे नंबर सीरीज का पार्ट 6, जो कि प्री एग्जाम में भी आता है, मेन एग्जाम में भी आता है। अगर किसी ने नंबर सीरीज की ये इसमें जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है, अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज विजिट दैट प्लेलिस्ट आल्सो, एंड क्योंकि उसके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि नंबर सीरीज क्या होता है, इसका बेसिक क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, प्री एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मेन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज विजिट कीजिएगा। तो नंबर सीरीज का आज पार्ट 6 है। ये मेन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो प्री एग्जाम में आते हैं वो इजी टाइप के होते हैं। अगर ये मेन एग्जाम में पूछा है ऑब्वियसली वो आपको मेहनत करेगा, क्योंकि मेन एग्जाम है और मेन एग्जाम में 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते हैं। अगर जैसे कि ये प्रोसेस क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसका हमको पैटर्न फाइंड करना पड़ता है, उसका आंसर निकालना पड़ता है, या तो रॉन्ग होगा या फिर मिसिंग सीरीज होते हैं। इसमें 2 टाइप के सीरीज होते हैं, एक तो मिसिंग सीरीज होता है, दूसरा रॉन्ग नंबर सीरीज होता है। लेकिन ये क्या है, पहले इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ये उन्होंने एक पैटर्न हमको दे दिया जो कि मिसिंग सीरीज में जैसा होता है, कि ये नंबर इस टाइप की, ये जो एक सीरीज है इसमें हमको उन्होंने लिख के एक दे दिया होता है, तो इसमें हमको ना पैटर्न फाइंड करना पड़ता है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगता है। जैसे कि ये नंबर सीरीज दिया है, अब इसमें जो पैटर्न अप्लाई होगा पहले उस पैटर्न को हम फाइंड करेंगे, उसमें लॉजिक क्या है वो फाइंड करेंगे, उसके बाद ये वाला जो सीरीज है इसमें वही पैटर्न अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या होगी, फिर वही पैटर्न हम जो नेक्स्ट वाला सीरीज है उसके अंदर अप्लाई करेंगे, उससे बी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, और उसमें फाइनली वो हमको बोलते हैं कि ये कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि ए प्लस बी, यानी कि इसका जो नंबर निकाला, आंसर निकाला, उन दोनों का एडिशन पूछा जा सकता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है कि ए प्लस बी क्या होता है, ए इंटू बी क्या होता है, ए डिवाइड बी क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये 2 मार्क्स के तो आने ही हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोसेस लेंदी हो जाता है कि पहले लॉजिक फाइंड करो, उसके बाद कैलकुलेट करो, उसके बाद यहाँ तो कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी। तो लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, अगर आपकी कमांड अच्छी है तो बहुत अच्छा है आपको स्कोर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 18,432। हम लोग ने बेसिक पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेन बेसिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है नंबर सीरीज का। तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम पहले नंबर्स को देखते हैं, वो सीरीज को देखते हैं कि वो सीरीज किस वे में जा रही है, क्या उसमें नंबर्स टाइम्स में बढ़ रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, तो हमको लॉजिक फाइंड करना पड़ता है इसके अंदर। तो लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18,000 है और यहाँ पे नंबर तो यहाँ मतलब बड़ा ही नंबर है एज कंपेरिजन टू 0.4, क्योंकि 0.4 तो मतलब थोड़ा सा नंबर हो गया ना, 18,000 नंबर कहाँ है और 0.4 कहाँ है, यानी कि नंबर बड़ा सा स्टार्ट हुआ है और छोटे पे एंड हुआ है। इसका मतलब क्या आएगा, इसमें लॉजिक होगा मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि मैंने बताया था ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब लॉजिक अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप देखते ही नंबर सीरीज को पहचान होगी कि इसमें पैटर्न क्या अप्लाई हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। तो 18,000 है यहाँ पे 0.4 है, तो मैं क्या देख रही हूँ, मैं सिंपली प्रैक्टिस में अगर आप हो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मुझे पता चल रहा है, मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 9,000 है, उसका डबल 18,000 है, यानी कि 2 टाइम्स है। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे 16 है, 16 का 2 टाइम्स 32 है, यानी कि इसका जो है एग्जैक्ट 2 टाइम्स यहाँ पे दिया गया है, कोई भी मतलब अप्रोक्सीमेट में भी नहीं है, एग्जैक्ट लिया है, क्योंकि 16 का डबल 32 होता है, 2 का डबल 4 होता है, और 9 का डबल यानी कि 2 × 18 होता है, यानी कि एग्जैक्टली इसका 2 टाइम्स ये यहाँ पे है। तो हो सकता है कि इसका भी 2 टाइम्स हो, या यहाँ पे 2 है तो हो सकता है यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे 23 है, ठीक है, 2 ही ले लेती हूँ, 23 है यहाँ पे, लास्ट का क्या है या इसका यहाँ पे 4 टाइम्स है, क्यों मैंने बोला 23 × 46 होता है, 46 × 92 होता है यहाँ पे, 23 × 46, 46 × 92। आप मेन एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है जो प्री एग्जाम में है वो उसकी प्रैक्टिस की होगी आपको, आपने तो आपको ये लॉजिक पता चल जाएगा, या फिर आपको ये मल्टीप्लाई करते करते स्पीड में जब आप आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 23 का डबल 46 होता है, 46 का डबल यानी कि 92, यानी कि 23, यानी कि इस नंबर का ये जो नंबर है वो 4 टाइम्स है, वो भी एग्जैक्ट 4 टाइम्स है, क्योंकि 4 × 16 आता है, तो 23 × 92 यानी कि एग्जैक्ट 4 टाइम्स है। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, इसका मतलब यहाँ पे 6 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि ये हमारे इवन नंबर्स है, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, ये हमारे इवन नंबर्स है। तो यहाँ पे ये लॉजिक मतलब जैसे मैंने 2 नंबर्स को देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट है वो 6 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स 4 टाइम्स
सिक्स टाइम्स आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे सिक्स टाइम्स है, तो सिंपली मैं ये भी बता सकती हूँ कि आगे ये एट टाइम्स होगा या 100% 10 टाइम्स है। ऑब्वियसली है कि हमको देख रहे हैं वो 4.8 में 10 का मल्टीप्लाई करें तो 48 आ गया, तो ये 101% है कि यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, तो ये ऑब्वियसली 12 टाइम्स हो जाएगा, 12 × 48 यानी कि 4.8, ये हमारा पैटर्न है। चलो हमने पैटर्न तो फाइंड कर लिया, अब हमको वही पैटर्न इसमें भी अप्लाई करना है और इसमें भी अप्लाई करना है और हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे मैंने बता दिया कि ये है हमारा, तो जरूरी नहीं कि इतने इजी आपको मिल जाएंगे, उसमें पैटर्न भी एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आ सकते हैं, तो अगर आपने कर लिया आपके माइंड में क्लिक हो गया तो आप तो जल्दी कर लेंगे, अदरवाइज फिर इट विल टेक टाइम, क्योंकि बहुत बार ये कन्फ्यूजिंग टाइप के लॉजिक होते हैं, उसके अंदर की मल्टीप्लाई भी होता है डिवाइड भी होता है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और उसके साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लॉजिक लूंगी, यहाँ पे 13,000 है और यहाँ पे 0.3, लॉजिक तो हमने फाइंड कर लिया ना यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो वही लॉजिक हमको इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही लॉजिक हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं, ये 12 गुना है, ये 10 गुना है, ये 8 गुना है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये 6 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 17,028 में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 17,028 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और 13,824 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली जब यहाँ से जाओगे तो उसी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखिए मैं मेरे बोलने का मतलब क्या है, अगर 288 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1728 की आंसर मिल जाएगा, और अगर 1728 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपको 288 मिल जाएगा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि 17,028 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, अगर 13,824 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो भी मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं मल्टीप्लाई करने से ज्यादा चाहूंगी कि मैं उसको क्या कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 × 12 एक बचा, 2 × 9 = 18 और 24 का आधा 12, यानी कि 6912 ये ए की वैल्यू हमको मिल गई है, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको 6912 ये हमको ए की वैल्यू मिल गई है। अब हमको बी का फाइंड करना है, बी का भी सेम लॉजिक है, तो हमको कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें मेहनत कर ली है, तो ये यहाँ पे इसका 12 टाइम्स है, ये 10 टाइम है, ये 8 टाइम्स हो जाएगा और ये 6 टाइम हो जाएगा। सिंपली फिर से मैं वही बोलूंगी, 96 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर 2304 को आप किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, ये 6 या फिर 96 इंटू आप 6 कर लो या फिर 2304 को आप 4 से डिवाइड कर लो, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 4 × 5 = 20 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 × 7 = 28 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 × 6 = 24 यानी कि 576, यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए, बी का आंसर 576, ये इसका आंसर हमको यहाँ पे मिल गया है, तो 500 b = 576 यहाँ पे मिल गया है, और हमको इन्होंने वैल्यू पूछा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 8 4 7 दिस विल बी द आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमने इतना फाइंड कर लिया, ये 2 मार्क्स का आ ही जाएगा मेन एग्जाम में, और इसमें लॉजिक भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो आपको फाइंड करना है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो इट विल बी इजी टू स्कोर हाई मार्क्स इन मेन एग्जाम, क्योंकि मेन एग्जाम जहाँ पे 0.25 से भी बहुत लोग के पेपर रह जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइट डाउन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, गिव मी सम सजेशंस टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो, एंड जय हिंद।